क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था। जो इमाम बाड़ा है दोस्तों वो दिन में बनता था और रात में तोड़ दिया जाता था, ताकि लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि वहाँ से कोई हमें देख रहा है। तो ये उस समय का देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा मेन एंट्री पर जो लोग इंटर हो रहे हैं वो यहाँ से एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा YouTube चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है, अगर आप दोस्तों लखनऊ में आए घूमने के लिए, अगर आपने बड़ा इमाम बाड़ा नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो भाई सारी चीज़ें हम आज के अपने इस ब्लॉग में हम कवर करके दिखाने वाले हैं। अभी हमने एंट्री कर ली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों पीछे का नज़ारा, और अभी हमको लेना है यहाँ पे टिकट, और टिकट लेने के बाद हम लोग चलेंगे अंदर साइड और आपको एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ के बताने वाले। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा तो घूम ही सकते हैं, जिसे दोस्तों भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आपको भूल भुलैया दिखाने वाले, बाउली दिखाने वाले, पिक्चर गैलरी दिखाने वाले, और बाकी पूरे यहाँ की हिस्ट्री हम आपको बताने वाले अपने इस ब्लॉग में। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ने यहीं से एंट्री करी है, यहाँ पे आप सामने की तरफ देख रहे हो, तो हमने यहाँ से एंट्री करी और यहाँ पे इस तरीके का नज़ारा, और जो यहाँ का दोस्तों टिकट काउंटर है वो आपको यहाँ पे सामने की तरफ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं। और यहाँ से भी हम लोग करेंगे अंदर साइड एंट्री। तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ से टिकट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है टिकट के लिए यहाँ पे, और ये है दोस्तों टिकट के प्राइस, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों यहाँ पे टिकट के प्राइस, ये आप देख सकते हैं। तो अपना उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा जो कम्बाइंड भारतीय पास है वही आप लीजिए, 50 रुपये में आप पूरा यहाँ पे ये घूम सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हमने यहाँ पे दोस्तों टिकट ले लिया है, और ये हमारा टिकट, ये इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर टिकट है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिया ये कम्बाइंड टिकट। तो चलिए हम चलते हैं अंदर साइड, एंट्री करते हैं अंदर साइड। यहाँ पर ये इस तरीके का दोस्तों अंदर का नज़ारा है। तो चलिए, और आपको जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको ये बड़ा इमाम बाड़ा का यहाँ पे बोर्ड देखने को मिल जाता है, और जस्ट सामने आपको यहाँ पे मस्जिद देखने को मिलती है दोस्तों, जिसे आसफी मस्जिद के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और ये है दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा का नज़ारा, और इधर साइड आपको यहाँ पे बाउली देखने को मिल जाती है। तो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे और सारी हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आपको अब हम बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं इधर साइड आसफी मस्जिद के पास में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी समय की मस्जिद। तो अब हम चलिए आपको यहाँ के थोड़ा इतिहास के बारे में बता देते हैं दोस्तों। और इधर के पीछे आपको यहाँ पे दोस्तों ये रूमी दरवाज़ा भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ, और बाकी ये तो दोस्तों अभी हम आज के यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दोस्तों आसफी मस्जिद। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है दोस्तों, इसका जो कार शुरू किया गया था वो किया गया था दोस्तों सन 1773 के आसपास, क्योंकि उस समय दोस्तों लखनऊ में अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय के जो यहाँ के दोस्तों नवाब थे आशफुद्दौला जी, तो उन्होंने क्या एक मनरेगा सिस्टम निकाला था कि जो मतलब लोगों को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसी कारण उन्होंने एक मनरेगा सिस्टम निकाला जिसके कारण वे लोगों को दोस्तों रोज़गार देते थे। और ये जो इमाम बाड़ा है दोस्तों वो दिन में बनता था और रात में तोड़ दिया जाता था, समझ रहे हैं। तो मतलब क्या होता था, दिन में जो था वो मतलब जो आम आदमी थे यहाँ पे लखनऊ के वे इसको बनाते थे, और रात में इसको तोड़ दिया जाता था। तो ऐसा ही लगभग 11 साल तक चला, और ये सन 1784 में दोस्तों बन के तैयार हो गया ये इमाम बाड़ा जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि इसमें जो लोगों ने काम किया था, तकरीबन 22,000 लखनऊ के आम आदमी ने दोस्तों इसमें काम करा था। और इसको किस चीज़ से बनाया गया वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें दोस्तों सीमेंट पत्थर हो गई इन सब का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया, तो वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले चलिए हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हमने एंट्री करी थी, यहाँ सामने की तरफ से ये था एंट्री गेट यहाँ का, और जैसे आप एंट्री करते हैं तो इस तरीके का यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलता है। और इधर साइड ये है दोस्तों यहाँ की बाउली, जिसमें अभी हम जाने वाले हैं, और इधर साइड ये है दोस्तों इमाम बाड़ा, नीचे की तरफ इमाम बाड़ा और ऊपर की तरफ यहाँ पे भूल भुलैया। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको वहाँ पे चल के हम इसका बताने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। और पीछे साइड आपको यहाँ पर आसफी मस्जिद देखने को मिल जाती, तो अगर हम लोग को अभी अंदर जाना है तो पहले हमको यहाँ पर दोस्तों जूते वगैरह, जो भी अगर हम जूते पहन के आए, चप्पल पहन के आए, तो वहाँ पर हम
यहाँ पे हमको जमा करने पड़ेंगे और फिर वहाँ से हमको पर्ची मिलेगी। तो चलिए हम अपने जूते वगैरह सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग चलने वाले अंदर की तरफ और यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों गाइड वगैरह भी मिल जाएंगे। आप अगर गाइड अगर आप परचेस करना चाहते हैं वहाँ पे, ये देखिए अपना रेट वगैरह लिखा हुआ, 2 लोग का 100 रुपये है, 3 से 5 लोगों का दोस्तों 125 रुपये आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे देखिए रेट लिखा हुआ है। तो अभी हम आपको बताते हैं, अगर गाइड मिलता है तो हम आपको बताते हैं गाइड अगर हम देते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने काफ़ी डिसीजन लेने के बाद हम लोग ने ये तय किया कि हम लोग गाइड नहीं लेंगे और हम लोग ऐसे ही घूमेंगे। तो लेकिन हम आपको सारी हिस्ट्री वगैरह बताने वाला जो जो मैंने यहाँ पे रिसर्च करी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर चल के आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर साइड एंट्री कर चुके हैं बड़े इमाम बाड़े के अंदर और इस तरीके का यहाँ पे दोस्तों नज़ारा है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का नज़ारा है अंदर साइड बड़े इमाम बाड़े का। तो आपको एक सिनेमैटिक शॉट भी यहाँ पे दिखा देते हैं और जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अंदर साइड दोस्तों वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो हम थोड़ा सा आपको 10 से 15 सेकंड का एक अंदर का सिनेमैटिक शॉट हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवाब आसिफुद्दौला जी की तस्वीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका चित्र दोस्तों बना हुआ है यहाँ पे, ये नवाब आसिफुद्दौला का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इधर साइड भी हम आपको दिखाते हैं इधर साइड क्या है। और इधर साइड दोस्तों इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सामने की तरफ से बाहर, क्योंकि दोस्तों अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो जितना भी हो सका उतना मैंने जो भी शूट किया था वो मैंने आपको दिखाया। और ये जो अब रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है दोस्तों भूल भुलैया की तरफ। तो अब हम लोग चल रहे हैं दोस्तों भूल भुलैया के लिए, जो कि दोस्तों ऊपर साइड है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं। तो हम लोग वहीं चल रहे हैं अब। तो दोस्तों अभी हमको चढ़नी है दोस्तों यहाँ पे चढ़ाई, ऊपर साइड से यहाँ पे हमको चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो हम मिलते हैं आपसे ऊपर की तरफ। तो गाइस ये है दोस्तों अंदर जाने का रास्ता भूल भुलैया का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भूल भुलैया के अंदर साइड और जो इसकी मेन भुलैया है वो है नीचे साइड, ये तो ऐसे नॉर्मल कह सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 3 रास्ते सही होते हैं और 1 रास्ता गलत होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपको अंदर लेके बताते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये कहीं बाहर अदर सिटी में जाता है ये रास्ता। चलोगे? और देखते हैं आगे की तरफ, हम लोग गलत तो नहीं आए हैं फिलहाल। और इधर साइड चलते हैं देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम भूल भुलैया से होते हुए इधर साइड आ चुके हैं। ये दोस्तों पीछे का एरिया भूल भुलैया का, अगर आपको पता हो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लखनऊ में। तो ये दोस्तों वो KGMU यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं। तो चलिए हम वापस लेके चलते हैं आपको भूल भुलैया के पास। तो दोस्तों अभी हम भूल भुलैया में घूमते घूमते एक ऐसी लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से ये आप देख रहे हैं जो भूल भुलैया का मेन एंट्रेंस गेट है ना, वो यहाँ से आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये हम जूम करके भी आपको दिखाते हैं, ये मेन एंट्रेंस है जो कि यहाँ पे सिपाही वगैरह लगे होंगे पहरे पे, तो वो यहाँ से देखा करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ के लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि वहाँ से कोई हमें देख रहा है। तो ये उस समय का देख सकते हैं, ये CCTV कैमरा यहाँ से आप देख सकते हैं, एकदम पूरा मतलब फ्रंट का गेट यहाँ से दिख रहा है और वहाँ से उन लोग को ये चीज़ नहीं दिख रही होगी। दोस्तों जैसे कि अभी हम यहाँ पे थे तो ये जो आप छोटा सा ये गुंबद देख रहे हैं, ये दोस्तों लहसुन की आकृति का बना हुआ है। और ये जो है दोस्तों ये आपको लौंग की आकृति का दोस्तों देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की दोस्तों जो शिल्पकारी एकदम नेक्स्ट लेवल की थी उस समय की। ये आपको लहसुन की तरह है और ये दोस्तों लौंग के तरीके का है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे हम बताते हैं। दोस्तों अभी हम आज के इमाम बाड़ा के सबसे ऊपरी मंजिल पे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोस्तों एंट्रेंस, और यहाँ से आपको दोस्तों पूरे लखनऊ का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ से हम आपको बता भी देते हैं, ये आपको सामने की तरफ यहाँ पे रूमी दरवाज़ा दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इसके पीछे आपको यहाँ पे दोस्तों घंटाघर भी दोस्तों देखने को मिल जाता है जस्ट पीछे की तरफ। और इधर से आपको यहाँ पे किले वाली मस्जिद भी आपको दोस्तों
देखने को मिल जाती है और जस्ट यहाँ पे ये आपको दोस्तों पक्का पुल देखने को मिल जाता है। इधर साइड ये है दोस्तों लाल पुल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल जाता है और पूरा लखनऊ आपको यहाँ से दोस्तों देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बावली के अंदर और बावली के लिए हम लोग ने यहाँ पे दोस्तों गाइड ले लिया, जो कि हमारे ये सामने आप भाई देख रहे होंगे, तो यही हमको पूरी बावली घुमाने वाले और पूरा इतिहास यही बताने वाले हैं। और ये रहा हमारा टिकट, मतलब बावली का इसमें कम्बाइंड था, तो चलिए हम कम्बाइंड क्या कहते हैं गाइड का मैंने पैसे दे दिए, 20 रुपये लगा है दो लोगों का। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ बावली के अंदर। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये है बावली और यहाँ पे ये हमारे गाइड भैया हैं, तो ये पूरा अपना डिटेल्स वगैरह देंगे बावली के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ये जो आप ये अंदर से काला पानी देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होता है कि उधर से जो लोग उधर पीछे साइड होंगे वो यहाँ से देख सकते हैं। ये मेन गेट जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ से ये मेन गेट दिखता है कौन एंट्री कर रहा है, तो वही रिफ्लेक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं। जो रास्ता इधर से गया हुआ है, तो इधर से हम लोग को चलना है और फिर वहाँ से हम आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाते हैं और इस बावली के बारे में भी आपको हम कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ और ऐसे आपको यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे रास्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग को चलना है इधर साइड क्योंकि हम लोग को वो देखना है रिफ्लेक्शन जो हो रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर यहाँ से लेंगे अभी राइट। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बावली के यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये जो आप पानी देख रहे हैं उधर से, अभी आपको मैंने बताया था ये जो पानी है दोस्तों उधर से काला दिख रहा था और यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन एंट्री पर जो लोग इंटर हो रहे हैं वो यहाँ से एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो उस समय के जो यहाँ पे सिपाही हुआ करते थे वे यहीं से दोस्तों CCTV कैमरे का काम किया करता था, ये 250 साल पहले की बात है। तो आइए और भी ऐसे आपको रोचक तथ्य हम आगे लेके चलते हैं, आपको बताते हैं यहाँ से भी ऊपर। यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर चल के हम आपको उस समय का एक कुआं दिखाते हैं। और अभी हम हैं इस बावली के 30 फीट नीचे की तरफ। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का कुआं। ये जो आप कुआं देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पे 3 मंजिला दिख रहा होगा और अभी इस कुएं के नीचे दोस्तों 4 मंजिला और टोटल ये 7 मंजिल की है दोस्तों बावली। और आपको बता दें जब 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी, तो उस समय यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था उसके कारण इसको उसी समय मतलब नष्ट नाबूद हो गया था, टूट टूट गया था, तो उसके कारण इसको दोस्तों बंद कर दिया गया है और ये कुआं दोस्तों अभी तो खाली है फिलहाल के लिए। तो ये थी कुछ यहाँ की रोचक तथ्य। और आपको बता दें ये जो आप 3 पिलर देख रहे हैं ना, एक ये और एक ये और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो उस समय के लोग काफ़ी लंबे हुआ करते थे, जो कि अभी हम मुझे गाइड के ज़रिए पता चला है कि उस समय के लोग जो लंबे हुआ करते थे तो झुक के आते थे, क्योंकि लखनऊ में तहजीब और अदब के नाम से ही जाना जाता है लखनऊ, तो इसीलिए वो लोग झुक के आते थे, ये आप देख सकते हैं। तो ये था कुछ यहाँ के रोचक तथ्य। तो चलिए अब हम चलते हैं इस बावली के बाहर। तो दोस्तों आपको एक बार और बता दें कि उस समय तो यहाँ के नवाब थे, जब यहाँ पे आक्रमण हो रहा था तो जो खजाना था दोस्तों, तो यहाँ के उस समय जो मुनीम हुआ करते थे रस्तोगी अली, तो वो इसी बावली के अंदर आते हैं और जो खजाना होता है दोस्तों वो यहीं कहीं छिपा देते हैं, और जो ब्रिटिश के ऑफिसर आते हैं उनका पीछा करते हुए, तो वो जो रस्तोगी अली होते दोस्तों वो इसी कुएं में दोस्तों कूद जाते हैं, और वो भी ब्रिटिश के ऑफिसर भी इसमें कूद जाते हैं जिनकी डेड बॉडी आज तक दोस्तों नहीं मिली है, क्योंकि अभी फिलहाल कुआं तो बंद है दोस्तों। तो ये थी कुछ यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने देखा, जब हम आए हुए थे दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा, और यहाँ पे आके मैंने भूल भुलैया आपको दिखाई है, बड़ा इमाम बाड़ा दिखाया है, बावली दिखाई। अगर मैंने इस ब्लॉग में अगर आपको बावली नहीं दिखाई होगी, तो उसका मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसी ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।